दवा व्यापारी हत्याकांड के एक और आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हत्या करने के बाद आरोपी जंगल में छुप गया था, जिसे दतिया पुलिस ने ढूंढ निकाला। इंद्रगढ़ थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दतिया की इंद्रगढ़ पुलिस टीम ने रतनगढ़ के जंगल में दवा व्यापारी हत्याकांड के एक और आरोपी को पकड़ लिया है। व्यापारी की हत्या के बाद आरोपी जंगल में छिप गया था। मुठभेड़ में आरोपी ने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली आरोपी के बाएं पैर में लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर अस्पताल लाया गया। इस कार्रवाई की जानकारी पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने दी। गौरतलब है कि हत्याकांड से जुड़े और आरोपियों को पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया था। सूचना मिली थाना इंद्रगढ़ प्रभारी को, जो हमारे दो आरोपी हैं उसके घटना के, वो निकले हुए हैं, ग्वालियर से आ रहे हैं। तो सूचना के उपरांत उन्होंने तुरंत एसडीओपी सेवड़ा से बात की और टीम के थाना प्रभारी अथलेटा और अन्य लोगों के साथ इन लोगों ने इंद्रगढ़ वाले इलाके में जो है वहाँ पे एक एम्बुश ले किया। तो खमरौली रोड रतनगढ़ माता थाना अथलेटा के इलाके में ये लोग निकल रहे थे। जैसे ही इन्होंने रोकने का प्रयास किया तो वो मोटरसाइकिल के दौड़ाने लगे और फिर एक पत्थर से टकरा के मोटरसाइकिल से वो गिरे और उन्होंने तुरंत पुलिस को जैसे नज़दीक आते हुए देखा तो उस पर गोली चलाना शुरू कर दिया। तो जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई। गोली चलाने के बाद में जो एक उससे आरोपी था उसके घुटने में चोट लगी, जंगल से निकल के आया, उनको गोली लगी है और उसके उपरांत वो चिल्लाने लगा तो पुलिस आके उसको दबिश डाली। साथ में एक और जो आरोपी था वो भी था इन्हीं के साथ में, तो उनको पकड़ लिया गया। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।